गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे एंड एकदम वेल होंगे। तो हम जा रहे हैं दिल्ली टू अनंतपुर साहिब होला मल्ला सेलिब्रेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमें ये नहीं पता वहाँ पर रूम है कि नहीं है। हम बस जा रहे हैं क्योंकि होला मल्ला का टाइम है ना, तो 90% क्या 100% बुकिंग बहुत ज़्यादा ओवर ही हो रखी है। तो वहाँ जाके ना रूम भी ढूंढना पड़ेगा 2-3 दिन के लिए। तो चलो यार, आप ना बने रहो इस जर्नी में हमारे साथ। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल, क्योंकि आगे और ऐसे लोग आते रहेंगे। मम्मा साथ में मेरे और पापा चले गए हैं पहले आगे। बो तो जस्ट रेलवे स्टेशन पहुँचे और मौसम ठंडा हो गया था। इस बार हम जो अनंतपुर साहिब जा रहे हैं ना, तो मान लो कि मैं गया था लास्ट टाइम अपने बचपन में, मतलब 2005 या 6 में लास्ट टाइम। वो हम तब गए थे जब मैं हम अमृतसर में रहते थे, अमृतसर से अनंतपुर साहिब गए थे। अब 11-12 साल तो हमें दिल्ली में रहते हो गए, तो इस बार पहली बार मतलब काफ़ी टाइम बाद होले मल्ले के लिए हम जा रहे हैं अनंतपुर साहिब वापस। मैं ज़बरदस्ती अब सीट पर बैठ गया, विंडो। अब होगी लड़ाई, युद्ध होगा, अब युद्ध ना। अब पापा आएंगे बीच में इंटरफेयर करके। भैया आया आया, सच दसी ठीक है, सच ब्रश करके आएंगे। ट्रेन चलनी स्टार्ट हो, अब हम वो काम करेंगे जो ट्रेन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फ़ोन बंद करके हेडफोन्स लगा के गाने लगा के सो जाएंगे। तो हमारी जो ट्रेन है वो लैंड करी है अभी लुधियाना। पूरे मतलब सोते सोते आए, पूरा सो सो के आए, एक बार भी नहीं उठा। तो अभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ पर रेस्ट करेंगे गुरुद्वारे में जाकर, देन वापस 4 बजे की ट्रेन है। अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं, 4-5 घंटे का भी गैप है काफ़ी ट्रेन के बीच में। तो अभी अगर कोई लुधियाने की तरफ से अमृतसर जाता है, अमृतसर की तरफ से लुधियाने जाता है ना, तो ये गुरुद्वारा उन्हें हमेशा दिखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास। ये है गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब जी लुधियाना का। थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, लंगर छकेंगे। मत्था टेकने के बाद एंड लंगर छकने के बाद अभी टाइम तो 1:30 बजा है, 1:30 भी नहीं बजा, 1:30 बजे में 15 मिनट है। स्टेशन पे कितना ओल्ड बुलडोज़र खड़ा है, मतलब बेसिकली मॉडल है शायद, या फिर इसको बस रिस्टोर करके अच्छे से रखा हुआ है यहाँ पर। हम सब एक जगह और ये लड़की एक जगह, वो वहाँ बैठ के देखो वीडियो बना रही है कैमरे से। लुधियाना स्टेशन में सब लोग अनंतपुर साहिब के लिए जाने के लिए रेडी है और हम भी। तो चीटिंग हो गई है, चीटिंग नंगल, मतलब हम काफ़ी टाइम से रेलवे नंबर मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बैठे हुए थे, अब अनाउंसमेंट हो गई है कि 1 नंबर पे आ रही है गाड़ी। ट्रेन ओवर भरी हुई है, मतलब जो रिजर्व सीट है ना उसमें भी बहुत बंदे आगे बैठे हुए हैं, जगह नहीं है निकलने के लिए सच बताऊं तो। मतलब मुश्किल, क्योंकि बेसिकली ना अब रिजर्व डब्बों में भी बहुत लोग भरे हुए हैं, तो सब एडजस्ट करके जा रहे हैं। हमारी भी बहुत सारी सीटें बट हम भी इससे भी एडजस्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि बाबे से मेले से जा रहे हैं सब लोग ना, तो एडजस्ट हो रहा है हर जगह से कि सब कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट, सब लोग एडजस्ट होकर जा रहे हैं। सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु। ज्यादा शुक्र। तो शाम का टाइम हो गया 7 बजने वाले एंड ट्रेन में आ गया लंगर सबके लिए, पूरी ट्रेन के लिए सब लंगर शक रहे। वो देखिए बाइक पे सब लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, ये जा रही थी बुलेट।
ये भीड़ देख रहे हो आप। सो वी जस्ट रीच अनंतपुर साहब, मैक्सिमम कितना 5 मिनट और लगेंगे। यहाँ से देखो थोड़ा सा तो ये अनंतपुर साहब पहुँच गए हैं बस, अब यहीं पर ही ट्रेन रुक जाएगी। लैपटॉप वाला बैग है, भीड़ बहुत हो रही है। इतनी खाली गाड़ी दिख रही है ना अभी, जस्ट अभी अगर 5-10 मिनट पहले भी अगर आपको मैं दिखाता ना, फुल भरी हुई थी। सो एट द एंड हम पहुंच ही गए अनंतपुर साहब, एंड पहुंचना है हमको गुरुद्वारे के पास रूम ढूंढने के लिए, ये तो कहीं शराब में रहना पड़ेगा, मतलब कहीं तो स्पेंड करने पड़ेगा टाइम। 2 दिन के मेले में भीड़ बहुत होती है और रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है अनंतपुर साहब में तो बहुत ज़्यादा। अनंतपुर साहब का मेला देख लो गाइस, गाड़ियों में देखो यंगस्टर्स हैं, सारे यंगस्टर्स ही हैं, ये देख लो बुलेट नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा मतलब जूम वूम करूँ ना तो आगे चल के दिखाता हूँ। तो गाइस रूम हमें मिल गया है, इतना बड़ा रूम है, इतना बड़ा देखो कितना बड़ा रूम है। उसके साथ अटैच बाथरूम भी मिला है, तो बेसिकली ये स्टे होम स्टे है, या तो होटल रूम नहीं है। तो है होम स्टे की भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब मैं सच बताऊँ तो मेले के कारण, क्योंकि पहले तो मिलने मुश्किल हैं और शुक्र मनाओ हमें मिल गया, मतलब पैसे ज़्यादा देने पड़े बट इट्स ओके फाइन है, क्योंकि नहीं तो सच बताऊँ तो सराह में रहना पड़ता, नहीं तो लाइक सराह भी नहीं मिलते, तो कहीं तो मतलब ठिकाना मतलब करना पड़ता है, तो रूम मिल गया तो अच्छा है। जिनको रूम नहीं मिलता वो मोम जामा बाहर चलते हैं। हमने मतलब स्टे मिल गया है, स्पीकर कितनी तेज है यार इनके। देखो गुरुद्वारा ये रहा, और गुरुद्वारे के बैक साइड गली में हमारा मतलब होम स्टे भी है, और भीड़ देखो कितनी है, अभी तो और होगी होले मल्ले वाले दिन तो मतलब देखना के मतलब क्या मतलब पावर होगी, अलग ही पावर होगी। तो ये अभी मेन गुरुद्वारे से ऐसा माहौल हो रहा है रात के 9 बजे वाला, और ये मार्केट है गुरुद्वारे के एकदम सामने, और पूरी रौनक हो रखी है। उधर देखो झूले भी लगे हुए हैं। ऑल अबाउट सब मतलब एक फन फैक्ट की तरह है पूरा, मतलब मजा, अरे थोड़ा इंजॉयमेंट अभी फील तो इतना नहीं हो रहा क्योंकि अभी ना थका हुआ हूँ, अभी घर जाऊँगा और इस ब्लॉग को पहले एडिट करके सुबह डालना है जैसे मर्जी, चाहे पता नहीं 1 बजे से हूँ या 2 बजे से हूँ, तो सुबह 5 बजे वापस उठना है क्योंकि सुबह 5 बजे आके दर्शन करने हैं, तो बहुत सारा काम ना बहुत फास्ट करना है, मतलब थक जाना है इन 3-4 दिन में, लेकिन पूरा मतलब व्लॉगिंग में आपको मतलब मजा दिलाऊंगा पूरा मजे से, मिलेंगे मतलब बस आप बस सब्सक्राइब कर लेना जल्दी चैनल। इसकी आई थिंक राइट लाइटें खराब हो गई, चिक्के सब मार रहे हैं ऊपर से घूमते घूमते, स्लो हो गया अब तो।
डाले हुए अच्छे से। पापा अपने प्रोफेशनल कैमरे से शूट कर रहे हैं आज, उन्होंने अभी निकाल लिया, अभी उन्हें अपनी जो उनकी व्लॉग की एंडिंग होगी वो प्रोफेशनल ही होगी और हम ऐसे सिंपल अपना करेंगे एंडिंग। लेकिन पापा ने जो शॉट लिए ना वो मैं इस व्लॉग में थोड़ी से डाल दूंगा अभी, मतलब मैं घर लेके जाऊंगा तो कार्ड कॉपी कर लूंगा 2 मिनट में। पसंद आया मैनू खंडा। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉल डिग ना जाना तुम रहन दो दी फिर तो तो यार पापा जो इसी कैमरे से ब्लॉग करवा रहे हैं मेरा, मैं करने की कोशिश तो नहीं कर रहा बट फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मेरे ये सिंपल एक फ़ोन की आदत है पता है जैसे सबको। बट पापा कह रहे हैं अभी माइक लगा रखा है गली में देख रहे तो पापा कह रहे हैं वो लॉक करो, तो यही बोल सकता हूँ कि अभी थोड़ी थोड़ी खुशी है, कल 7 तारीख है थोड़ी खुशी ज़्यादा होगी, परसों जो मज़ा आएगा ना उसके लिए एक्साइटमेंट ज़्यादा है मेरे लिए। तो परसों का व्लॉग देखते हैं, वो तो इसी से कैमरे से शूट होगा पूरा कैमरे से शूट होगा जिससे अच्छे सिनेमैटिक शॉट आ पाए और ज़्यादा ग्रो कर सके, मतलब वीडियो की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतने मतलब लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, तो वही कोशिश करनी है अभी तो सबसे ज़्यादा। अभी हम जा रहे हैं घर पर क्योंकि मैं गया हूँ थक गए, किसी को कोई भूख नहीं लगी, कोई कुछ खाने नहीं आया, खाएंगे लंगर खाने। नहीं मैं चला कर, मैं लगा पता नहीं कैसे चल गए, हो गया। तो गाइस अब इस व्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, कितना टाइम 12:30 हो गए और सुबह 5 बजे वापस उठना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना, नेक्स्ट व्लॉग जो आएंगे वो पूरे कैमरा से शूट होंगे पहले तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी उसकी, ठीक है, मतलब जो सिनेमैटिक शॉट होंगे और बहुत प्यारे प्यारे शॉट होंगे आप पक्का उसे इन्जॉय करोगे। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, जैसे मैं वीडियो डालूँ वैसे ही आपको मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं आप सबको, टाटा बाय बाय।